हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदीप पडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरू जॉट ऑफ ब्लॉग। आज मैं करने वाला हूं कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू ऑल न्यू 2024 टाटा नेक्सॉन का प्योर एक्सपीरियंस, जिसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए सारी जानकारी आपको यहां पे देने वाला हूं। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यह है दोस्तों ऑल न्यू 2024 टाटा नेक्सॉन प्योर एस वेरिएंट। इसकी प्राइसिंग आप स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा। फ्रंट प्रोफाइल से देखने पे काफी बोल्ड, एग्रेसिव और स्टनिंग लग रहा है दोस्तों, और ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। सबसे बढ़िया फीचर इसमें मिलते हैं आपको। आइए चलिए क्या क्या फीचर्स आपको इसमें प्रोवाइड किए गए हैं फ्रंट प्रोफाइल से चेकआउट कर लेते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में दिया गया है दोस्तों डे टाइम रनिंग लाइट ब्लिंक करता हुआ कुछ इस तरह का टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड, और नीचे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही शानदार। जस्ट इसके नीचे आपको यहां पे दिया गया है ट्विन फॉग लैम्प के लिए हाउसिंग, लेकिन फॉग लैम्प आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, एज नेसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और इसके अलावा फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, लेफ्ट टू राइट आपको यहां पे देखने को मिलता है, बीच में टाटा का अपडेटेड लोगो, और फ्रंट बम्पर पे बॉडी क्लैडिंग दिया गया है ब्लैक पार्ट के रूप में नंबर प्लेट की जगह, और एयर डैम पे कुछ इस तरह का पैटर्न्स दिए गए हैं। स्किड प्लेट आपको इस वेरिएंट में ब्लैक कलर में अवेलेबल कराया गया है। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी अमेजिंग है दोस्तों, कुछ इस तरह। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है, काफी एरोडायनेमिक शेप दिया गया है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक अवेलेबल कराए गए। सस्पेंशन फ्रंट में मैकपर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग एंड रियर में ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग प्रोवाइड किया गया है, और इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर। व्हील साइज है 195/60R16। ORBM पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल भी है, और फ्रंट में वाइपर दिया गया नॉर्मल। और सबसे बड़ी बात, इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है, कुछ इस तरह ड्यूल टोन रूफ रेल दिया गया है, और इसका जो ए पिलर है, बी पिलर है, सी पिलर है, पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है, और इस वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है। साइड में डोर मोल्डिंग दिया गया है जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, काफी स्टर्निंग लग रहा है रियर प्रोफाइल से भी। क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए आइए चलिए बात करते हैं। इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं साफिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर यहाँ पे ड्यूल टोन में, और रियर वाइपर यहाँ पे मिसिंग है दोस्तों इस वेरिएंट में, डिफॉगर भी मिसिंग है, और यहाँ पे आपको मिलता है टेल लैम्प यूनिट, वो भी एलईडी में ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, और रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे दिया गया है, जस्ट इसके ऊपर टाटा का अपडेटेड लोगो, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो नेक्सॉन की ब्रांडिंग दिया गया है हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरह, और रियर बम्पर जो है ड्यूल टोन में दिया गया है दोनों, और बहुत ही शानदार हाउसिंग में आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, लेकिन रिवर्स पार्किंग लाइट आपको केवल लेफ्ट साइड जलता हुआ देखने को मिलता है, और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं कुछ इस तरह। स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में ही अवेलेबल कराए गए हैं। ओवरऑल इसका रियर प्रोफाइल काफी शानदार। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है, ओपन करते हैं इसके फ्रंट डोर, तो यहां पे आप देख पा रहे हो ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन। ग्रैब हैंडल पे आपको मिलते हैं पियानो ब्लैक फिनिश, यहाँ पे प्लास्टिक पार्ट है, व्हाइट पार्ट कुछ इस तरह टेक्चर दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश में डोर लॉक आपको मिल जाते हैं, साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको ORBM के कंट्रोल दिए गए हैं। नीचे 1 लीटर का बोटल होल्डर, थोड़ी सी जगह, अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है, और इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं 4 स्पीकर, और ट्विटर के लिए यहाँ पे जगह दिया गया है। डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है, चेकआउट कीजिएगा। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको इल्यूमिनेटेड यहाँ पे मिलता है की होल, नीचे डेड बैरल किसी भी वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं किया गया है। स्टोरेज आपको यहाँ भी दिए गए, कॉइन वगैरह रख सकते हैं।
और यहाँ पे आपको दिया गया है फैब्रिक अपोस्ट्री, लेकिन हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे फैब्रिक अपोस्ट्री ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन प्योर एस वेरिएंट में 6 एयरबैग, जैसे कि आपको पता ही है स्टैंडर्ड दिया गया है कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट। और इसके सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। कुछ इस तरह का स्टोरेज दिया गया है, 2 कप होल्डर, पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रैब हैंडल, 3 ड्राइव मोड्स, इको सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड, और ये EMT वेरिएंट है दोस्तों, EMT ऑटोमेटिक, ठीक है। कुछ इस तरह का यहाँ पे सेंटर कंसोल, जस्ट इसके आगे आपको स्टोरेजेस दिए गए हैं, 12 का चार्जर, USB पोर्ट, और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टच पैनल के रूप में दिए गए हैं, फिजिकल बटन दिए गए हैं, बूट ओपनर का बटन आपको मिल जाता है यहाँ से। और डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा, व्हाइट पार्ट दिया गया है, प्लास्टिक पार्ट, ये सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है दोस्तों, हार्ड प्लास्टिक है, बीच में कार्बन टच, ऊपर हार्ड प्लास्टिक ब्लैक पार्ट। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है हरमन का 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर डिजिटल दिया गया, बीच में बड़ा सा MID दिया गया, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फ्लैट बॉटम, 2 स्पोक, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, और सबसे पहले बता दूं यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि इस सेगमेंट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और वहीं आपको लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल फोन कोल्स का बटन और राइट साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिया गया है। वहीं ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। और इसके अलावा डे नाइट IRBM प्रोवाइड किया गया है, को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है, सेंटर में दिया गया है कैबिन लाइट कुछ इस तरह, और वन टच आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है कुछ इस तरह, जो कि एक जबरदस्त फीचर है, आजकल की ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है। और वन टच आप इसे क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काफी शानदार फीचर्स। और इसके अलावा आप यहाँ पे दिया गया है आपको एयरबैग डीएक्टिवेशन का इंफॉर्मेशन, जो कि वहां से ऑपरेट किया जाता है को पैसेंजर साइड से। और ग्लोव बॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लार्ज ग्लोव बॉक्स आपको ऑफर किया गया है, और ए पिलर के दोनों ओर आपको यहाँ पे दिया गया है ट्विटर की प्लेसमेंट, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की, तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, 1 लीटर का बोट होल्डर, स्पीकर, और यहाँ पे कुछ इस तरह का प्लास्टिक पार्ट टेक्चर आप देख पा रहे हो। और रियर पैसेंजर्स के लिए काफी कंफर्टेबल सीट यहाँ पे दिया गया है, 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, 60-40 का यहाँ पे भी कोई भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया है। इस वेरियंट में आपको मिलते हैं रियर AC वेंट, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखिए तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है, काफी अमेजिंग प्रीमियम। और चारों ओर नजर डालें तो कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है, कोट हुक भी दिया गया है, और लेग रूम काफी अमेजिंग, नी रूम काफी अमेजिंग, और हेड रूम देखिए दोस्तों काफी शानदार, जिसके लिए विक थम्सअप। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर नहीं किया गया है, यहाँ पे बूट गेट ओपनर का बटन दिया गया है, हल्के से पुश करके आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 382 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। और रियर सीट को आप फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं, 60-40 का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। बूट लैम्प नहीं दिया गया, दोनों ओर ग्रोसरी हुक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया टूल किट के साथ, बहुत ही शानदार स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको इनर साइड दिया गया है, ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं। वहीं हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है PS6 सेकंड सेस RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रैबटॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 118.27 bhp की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज कंपनी क्लेम करती है 17.44 kmp की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जिससे यह बन चुकी है इंडिया की सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV। इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग,
ABS with EBD, reverse parking sensors, reverse parking camera, seat belt reminder, driver side and co-passenger side, 3-point seat belt ELR system, center locking, day-night IRBM, isopic child seat anchorage, electronic stability control, brake sway control, rollover mitigation, pretensioner and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, door hazard warning, engine checking warning, crash sensors जैसे premium safety features available कराए गए हैं। ये थी दोस्तों complete walk around review 2024 Tata Nexon Pure S variant की, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज टेस्ट राइड वॉक अराउंड कंपैरिजन एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।